उस स्टैंड लगे भाई किसान भाई हो जरा शांति व्यवस्था बनाओ एकदम आने आ रहा भाई थोड़ी जगह दे दो जगह टकैस आ गए अरे यार अच्छा सुनो भाई जिसको लंगर चखना है ना ले जाओ साहब बहुत लोग हैं इतने चलो मैं चाय पी लूं इतने जिसको लंगर चखना है चाय ले भाई जगह दो जगह यार इतना लग रहा हूँ आदि मैं हूँ यार ठीक है मैं समझ रहा हूँ अरे यार तेरे भी कोई भी आओ भाई पीछे में हूँ बैठ जाओ धक्का मुक्की ना करो यार किसान भाइयों जो शोक सभा है शोक सभा तो शोक सभा में शोक वाली मतलब अपनी प्रसिद्धि बना यही आया पीछे यार यहाँ से जो 90 किलोमीटर है जी लखीमपुर 90 किलोमीटर है भाई किसान भाइयों शांति बनाओ एक बार उसके बाद ही चौधरी साहब बात करेंगे हेलो जी एक मिनट जी एक मिनट रुको रुको भाई देखो आज बहुत दुख का विषय है एक मिनट सुनोगे भाई बैठ जाओ आज ये हालत जो है आंदोलन अरे इतने भाई अपराधन हो गए ना सारे इतने भाई देखिए आप अपने से दूसरे को दिखाओ चुप हो जाओ तो सारा शांत हो जाएगा बोल रहे हैं भाई एक मिनट रुको देखिए आंदोलन अलग बात है आज ये बात आंदोलन की नहीं है आज हमारे साथी शहीद हुए हैं बहुत दुख का विषय है उतनी गंभीरता आपको दिखानी होगी ठीक है साहब को जैसे गाजीपुर में पता लगा 5 मोर्चे तोड़ते हुए आपके यहाँ तक पहुँच गए जो भी निर्णय होगा निर्णय वहीं जाकर होगा टिकेत साहब अपनी बात रखेंगे एक बार पूरी गंभीरता दिखाते हुए और सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है कई राज्यों में इस तरह से आंदोलन को देश में तोड़ा गया है पुरानी घटना याद आपको करनी होगी कि ये सरकार उन सरकारों में से नहीं है कि आंदोलन को बातचीत से हल करके समाप्त करती है ये सरकार हिंसा से आंदोलन तोड़वाना चाहती है तो आप लोगों को भी उतनी समझदारी दिखानी पड़ेगी आज सब लोग पूरी व्यवस्था के साथ जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं अभी जो निर्णय होगा जो टिकेत साहब बताएंगे सब लोगों को शांतिपूर्वक फॉलो करना है ये जो हमारे जो हम लाठी डंडा साथ लेकर चलते हैं उसको भी हथियार बताते हैं ये तमाम ऐसी बातें हैं हमारा मकसद ये है कि जहाँ घटना हुई है हम अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें
भाई ये बात बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब किसान साथी हैं, किसी को दाएं बाएं की बात करनी हो यहाँ बिल्कुल ना करें, पीछे जाकर कर ले। आज बड़ी दुख की घड़ी में मतलब हमारे किसान आंदोलन का इतिहास में पहला ऐसा मामला है, एक नवनीत भाई का मामला 26 जनवरी वाला था, उसके बाद सीधी गोली या इस तरह से जिस तरह से क्रूरता की हदें पार की गई हैं वो बहुत अपने आप में प्रतिशोध की ज्वाला सबके अंदर है। और मैं बहुत ज्यादा समय न गवाते हुए यहाँ एक दो लोग आदमी स्वराज अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो आपसे बात करेंगे, फिर सीधे टिकेट साहब आपसे बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन सरकार जो राजवीर यादव सभी हमारे किसान भाई आज बहुत संवेदनशील स्थिति है, सभी साथियों को पूरे जोश में रहते हुए भी हमें अपने होश को कायम रखना है। ये सारा फसाद केवल दिल्ली बॉर्डर पे चल रहे आंदोलन के कारण है और ये सरकार जिसका जो इतिहास रहा है कि इन्होंने छल कपट और उस तरह के हिंसा करके आंदोलन तोड़े हैं ये आप सभी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग मान भी जानते हैं, हमारे नौजवान साथी भी जानते हैं, सभी मोबाइल चलाते सभी को पता है। हमें हमारे जो भाई आज शहीद हुए हैं उनको और उनकी आत्माओं को न्याय तब मिलेगा जब दिल्ली पे चल रहा आंदोलन आपका सफल होगा। आप मानते हैं इस बात को? जी। हमें हर नुकसान हर परेशानी और हर कुर्बानी देने को तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली आंदोलन पे आंच ना आए इसके लिए भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा। सारा फसाद उसी को देख करके हमें सभी लोगों को संयम बना के रखना है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी सभी की भावनाओं का आदर करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारा आपका सबका कर्तव्य एक ही है कि हम अपने नेता के इशारे पर काम करें। कोई भी सेना अगर अपने सेनापति के इशारे पर काम करती है तो वो फतेह पाती है, और हर सैनिक अगर सेनापति हो जाता है तो वो सेना खिन्न भिन्न हो जाती है और टूट जाती है और वो परास्त हो जाती है। आप लोगों को बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप लोग शुरुआत से सभी शानदार सैनिक हो, शानदार सेनापति। हमें युद्ध के और सेना के नियम आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा जाबाज और आपसे ज्यादा समझदार कोई है नहीं। आपत्ति काल में ऐसे विपरीत समय में जो सैनिक जो सेनापति संयम और धैर्य से काम लेता है, जो अपने बुजुर्गों बड़ों की सलाह पर काम करता है वो फतेह के रास्ते पे जाता है, और जो मनमानी करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और उस लड़ाई को भी डुबो देते हैं जिसके लिए अब सारे लोग आज पूरे देश के लोग जान लगाए हुए हैं। सरकार भले ही कहे कि किसी धर्म का किसी जाति का आंदोलन है, लेकिन नहीं, पूरा देश जिनकी हम भाषा नहीं जानते, एक शब्द भी नहीं देखा आप समझ सकते, वो लोग हमारे लिए जान लगाए बैठे हैं। हम लोगों के पास जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो आसाम के बाद वाले इलाके रहे हों, नागालैंड वाले, चाहे वो केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके रहे हों, चाहे कश्मीर के इलाके रहे हों, चाहे जो इलाके रहे, जो सूचना हम लोगों को रास्ते में मिल रही है, पूरा देश आपके साथ खड़ा, पूरा देश को बांध रहा है। लेकिन गर्व की बात एक है कि पूरा देश ये कह रहा है कि जो आदेश दिल्ली और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। वही फर्ज आज हमारा है, हम सारे लोगों का वही धर्म है। हमें इन विरोधियों की साजिशों में अगर हम फंस गए तो समझ लीजिए फिर कहीं के नहीं रहेंगे। और ये फंसाने की साजिश है, कितने भी मर जाए कितने भी कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मंसूबा सफल होना चाहिए, और हम कितनी भी कुर्बानी देना पड़े हम इनको इनके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे, यही हमारी रणनीति होना चाहिए। ताली नहीं भाइयों, हृदय में अपने में हृदय पे हाथ रखने की ताली, हाथ पे हाथ मत लगाइए, अपने हृदय पे हाथ लगाइए और सोचिए आप आज इसकी जरूरत है कि नहीं है। दिल्ली आंदोलन सफल करना है, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्तों, जाने कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, वो आई हैं,
28 जनवरी की परिस्थिति कोई मामूली परिस्थिति थी, आप लोग सब जानते हैं, आप इसमें से सैकड़ों लोग हमारे साथ ही गवाह हैं। 28 जनवरी की परिस्थिति को नहीं लग रहा था ऐसा कि आज किसान हिंदुस्तान का बचेगा, लेकिन परमात्मा की मेहर, वाहेगुरु की कृपा, टिकैत साहब के माध्यम से पूरे देश के किसानों का सम्मान बचाया। और ऐसा भी नहीं था कि कोई हंसी खेल था, वहां भी मौत से साक्षात्कार था। हम लोगों को ये पता नहीं था कि सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हमें ये जानकारी नहीं थी कि हम सुबह का सूरज देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना ठान लिया था चौधरी साहब ने, जो होगा वो स्वाभिमान के साथ होगा, इज्जत के साथ होगा। और ऊपर वाले ने वाहेगुरु ने फतेह दिलाई, संयम से काम लिया गया, फतेह दिलाई। उससे भी बड़े बड़े भी कठोर समय आने वाले हैं। आज का भी समय बहुत बड़ा कठोर समय है, बहुत संवेदनशील समय, सावधानी और संयम की जरूरत है। और हमें सेनापति नहीं बनना है मेरे दोस्तों, अच्छा सैनिक बनना है जो सेनापति के इशारे पे काम करे। अगर आप इस लड़ाई में फतेह पाना चाहते हो तो अच्छा सैनिक बनना है हमें सब, आप हमें सब, सब लोगों को, हमें अपने सेनापति के इशारे पे चलना। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा, आप लोगों ने अपने आवेग, अपनी भावनाओं को काबू किया होगा, आप लोगों ने उन 700 शहीदों के कुर्बानी को, आज 4 भाई हमारे, 8 भाई शहीद हुए उनकी कुर्बानी को, और 700 शहीद हमारे बॉर्डर पे हुए उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए, उनकी कुर्बानी जाए या ना जाए, हमारी एक गलती, एक भूल, एक चूक सारा मटिया मैट कर सकते हैं। उन 700 लोगों को भी याद करना है जो हमारे साथ कुर्बानी दे चुके बॉर्डर पर बैठ करके, उनकी भी कुर्बानी जाया ना हो। हमें इस आंदोलन को फतेह करना है, हमें संयम में रहना है, अनुशासन में रहना है, जो हमें आदेश मिलेगा उसका हमें पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादव जी, इस दुख की घड़ी में आपने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया है भाई। किसान भाइयों, वास्तव में अध्यक्ष जी की बात सही है कि संयम बना के रखना पड़ेगा। गुस्सा तो हमें भी बहुत आया, उबाल मन में है। एक बार सूरज डूब रहा था तो डूबते सूरज ने वायुमंडल में आवाज देके पूछा कि है कोई ऐसा जो मेरे डूब जाने के बाद रोशनी का प्रबंध कर सके। वायुमंडल में सन्नाटा छा गया, शांति होगी। एक छोटा सा दिया टिमटिमाता हुआ बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त कि मुझ में तेल डालने वाले चाहिए। आप मेरे में तेल डालते जाओ, मैं आपके लिए रोशनी करता जाऊँगा। तो वो 4-6 सूरज डूब गए हैं, लेकिन जो हजारों सूरज खड़े हैं जो रोशना सकते हैं, इस संघर्ष को कामयाब रख सकते हैं। अध्यक्ष जी ने मेन बात कही है, गाजीपुर बॉर्डर वाले सरकार का षड्यंत्र है। हम लोग अभी कल ही बैठे ये बातें करते थे कि हमें खदेड़ने के लिए, इधर धान खरीद वाले मामले चल रहे हैं, कई मामले गन्ने की पेमेंट वाले, हमें खदेड़ने के लिए षड्यंत्र हो सकता है, वो हो गया। हमारा ध्यान उधर उलझा के सभी को उधर के लिए प्रेरित करके, और दूसरी तरफ उधर कोई छेड़खानी हो सकती है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे भारतीय किसान यूनियन के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत साहब, आओ जी। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बैठ लो भाई, बैठ बैठ भाई। धन्यवाद आप सभी का। और 12 बजे अभी आप लोग यहीं पे हो, हम अभी कई घंटे हो गए वहाँ से चले हुए, बीच में जगह जगह बैरिगेटिंग रोकने का, इसका सारा षड्यंत्र जो सरकारों का होता है वो चला हुआ है। अब ये है कि हमारे लोग वहाँ पे हैं, और हमारा सबसे पहला काम है कि हम उनके बीच में पहुँचे। अभी भी तो जगह भी कभी कितनी दूर है, कहाँ तक है, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर की और डेड बॉडियां हैं उनकी, वो भी रखी हुई है भाई। उनका पीएम होना है, क्या होना, सब लोग के बीच में, जब पूरा परिवार के बीच में हम पहुंच लेंगे, आगे का निर्णय वही जाके करेंगे। तो यह है कि दुखद घटना है, 4 अपने किसान गए और 4 जो दूसरे लोग थे जिनको वे बहका फुसला कर लेकर आए,
वे लोग भी गए तो 8 लोगों की डेथ एक ही जगह हो जाना तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। दुखद घटना है, किसी के भी परिवार से लोग जाए, वो किसी के बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का बेटा जाता है, तो जाएंगे वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे, सुनते सरकार के लोग भी वहां पे होंगे, जब तक जाएंगे इतने काफी टाइम भी हो जाएगा। और हम तो बड़े कपड़े वपड़े लेकर आए, हम फिर जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता तो हम फिर वहां से स्थान को छोड़ते ही नहीं है। यहाँ पर आगे तो पूरा काम यहाँ पे करवा के सारी चीजें करवा, क्योंकि अगर कमजोर हो पड़ गए तो ये दबाने की भी कोशिश करेंगे, ये हत्याओं के मुकदमे किसानों के ऊपर लगाएंगे, तो हमको सब चीजों के लिए तैयार रहना है। अब जो लोग भी यहाँ से चलना चाहे वे अपना वहां पे भी चले, क्योंकि निर्णय वहीं बैठ कर लेंगे स्थान पे। और जो लोग यहाँ पे है अपना यहाँ पे भी रहो, अपने धरने का यहाँ पे क्या है, क्या निर्णय ले रखा है आजकल का संयुक्त मोर्चे का, ये है कि डीएम के वहाँ पे बैठना है, ज्ञापन देना है, वो संयुक्त मोर्चे का वो है। अब तो ये है कि अपना काम करो, आप भी 4-5 बजे के उसी टाइम के यहाँ पे होंगे। और कुछ लोग जो चलना चाहते हो, कुछ अब चले नहीं, सभी नहीं, अजय गाड़ियां चल सकती है, वो चल जाए और घर जाओ, और अगले निर्णय की वो रखोगे क्या निर्णय करना है। 10 बजे के पास में डीएम ऑफिसर लो, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार चाहती है कि ये झगड़ा करे, मतलब हम झगड़ा करें इनके साथ में, हमें बचना है उनसे। उल्टा काम हो रहा है कि वे झगड़ा चाहते हैं, हमको उनसे बचना है। जैसे कुत्ता नहीं होता कि अड़काया हो जाए तो उससे दूर कूद चले, और वो पुरानी कहावत भी है कि जो खराब आदमी है, जो नीच आदमी होता है, तो ये लिखा हुआ है कि उससे 9 हाथ दूरी से जाना चाहिए। जो काटने वाला डॉग होता है उससे 3 हाथ की दूरी पर जाना चाहिए। तो इसका मतलब आदमी जो नीच आदमी होता है उससे दूर को बचे, वो इसलिए कहा कि उसकी आवाज भी ना सुने। तो ये खराब लोग हैं, इनसे हमको बचना है, अपने संगठन को भी चलाना है, अपनी खेतीबाड़ी भी देखना है, इनके चक्र में हूं मैं, हमको नहीं फंसना है। तो जो लोग भी चल सकते हैं अब चले, और जो लोग सुबह ही आए वे सुबह ही कर ले। इनसे कितनी दूर पड़ता है, इनसे 100 किलोमीटर है इनसे, तो कुछ यहाँ पर डीएम के आ रहेंगे, कुछ वहां पर रहेंगे, जो भी निर्णय होगा वो 9-10 बजे तक वो बता देंगे कि वहां पर बड़ी मीटिंग हो रही क्या। अभी है कि अपना सब लोग भाई जाओ, दुखद घटना है बहुत, और लोग उधर से आएंगे पीछे से सुबह ही, तो उनको भी देखना है कि वे लोग निकले, उनको रास्ते दिलवाने हमको सबको, क्योंकि बहुत लोग रात को सुबह ही, बहुत लोग दिन में चलेंगे वन से, तो आप लोगों के पास में हमको आते जाते रहेंगे, उनको लंगर पानी चखाते रहना। और आगे जो लोग आएंगे, क्योंकि जो लोग पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उनसे जगह जगह से आएंगे, उनके रास्ते रहेंगे बहुत ही हमको। तो ये कि जो लोग चलना है तो आप चले, रास्ता आगे का आप लोग ही बताओगे तो चलेंगे। ठीक है जी, सोनिया श्री अकाल। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरने को तो भाई समाप्ति कर दो भाई इनका, और अपना कल की निगाह रखना है। लो जी।